हाय जय माता दी, मैं निशा लामा, ये मेरी क्लाइंट है और काफी ज्यादा फ्रिज होके बाल टूट गए। ये तो कभी लंबे नहीं हुए होंगे ना आपके बाल? ये लेंथ नहीं आती इन बालों की, फ्रिज है। क्या ये पॉसिबल है कि अगर आपके बाल छोटे हैं, टूट गए हैं, एलोपेशिया है या थिंड हो चुके हैं, बाल उग ही नहीं रहे हैं, तो इनका कोई सॉल्यूशन है? जी हाँ, कवरेज सॉल्यूशन होता है। अगर आपके बाल एलोपेशिया प्रॉब्लम है, आपके बाल बहुत छोटे छोटे हैं और आपने दुनिया भर की दवाइयाँ ले ली, आपने बचपन से ये प्रॉब्लम आप सफर कर रहे हो, ये ऐसे ही पैदाइशी बाल थे ना, लंबे होते हैं तो टूट जाते हैं, इन पे ग्रोथ नहीं आती है। इन पर्टिकुलर बालों पे कोई भी आपको कहता है कि ग्रोथ आ जाएगी तो वो झूठ बोलता है। इन बालों पे कभी भी ग्रोथ नहीं आती है, इनको कवर किया जाता है विद हेयर एक्सटेंशंस। सो यहाँ पे अभी हम ऐसी दुनिया में कोई भी दवाई नहीं बनी है जो आपके एलोपेशिया में बाल उगा दे। अगर उगते भी हैं तो माइल्यूट से हाफ इंच उगते हैं और कुछ दिन के बाद वो उगने बंद हो जाते हैं। हाँ, किसी के बाल टूट रहे हैं, झड़ रहे हैं, हेयरफॉल हो रहा है, उसका सॉल्यूशन है। बट एलोपेशिया थिनिंग का जो बोलते हैं सॉल्यूशन है, वो झूठ बोलते हैं। इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होता, इसको आप कवर्ड कर सकते हो। इस पर डीप स्टडी पे साइंस में भी बाल उगते हुए मैंने नहीं देखा। मेरी उम्र निकल गई है, मैं बता दूँ तो मैंने इस पर लोगों ने लाखों रुपए लगा लिए। मैं लास्ट ऑप्शन में आती हूँ उनके पास, मैं फर्स्ट ऑप्शन में नहीं आती। पहले वो डॉक्टर्स को, होम्योपैथी को, हर टाइप की दवाइयाँ लगा देते हैं, उसके बाद जब बाल नहीं उगते लाखों रुपए लगाने के बाद, तब आके इसको कवर करवाते हैं हेयर एक्सटेंशन। मैं ये कहती हूँ, होप इज़ बेटर देन एवरीथिंग। अगर आपके बाल नहीं उग रहे हैं, अगर आपके बाल झड़ गए हैं, थिन हो गए हैं या एलोपेशिया हो गई है, तो कवर करवाने में एलोपेशिया में दिक्कत क्या है? ये कोई सर्जिकल प्रोसेस तो है नहीं, आपको कोई भी दवाई खानी है, दवाई खाने के साथ साथ भी आप ये प्रोसेस करवा सकते हो। ये इसमें हम कवर कर देते हैं, जैसे तन ढकने के लिए हमने कपड़ा लगाया, ऐसे तन ढकने के लिए हम इसको कवर कर देते हैं। अगर दवाई खानी है तो उसके साथ खा लो ना, कोई प्रॉब्लम थोड़ी है। वो आप अपनी ज़िंदगी के 2 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल तो वेस्ट नहीं करोगे। इन 1 साल के अंदर 24 घंटे कितना सफ़र करोगे और कब तक सफ़र करोगे? मेरा यही सवाल है, कितना सफ़र करोगे, कब तक सफ़र करोगे? जो चीज़ ढकी जा सकती है तो वो चीज़ ढकी जा सकती है, उसके साथ एडजस्ट नहीं करना होता, उसको चेंज करना होता है। प्रोसेस करने वाले मैम के बालों में और इस पर हम लोग एक्सटेंशन पुट कर देते हैं। इससे ये क्या होगा, अगर आप कोई भी ट्रीटमेंट या प्रोसेस करवाते हो, मानो कि मैं ही अगर आपको कुछ टैबलेट देती हूँ, तो इनमें क्या होगा, आपका बाल यहाँ पे घना हो जाएगा पर लंबा नहीं हो पाएगा, है ना? इतना लंबा वो नहीं हो पाएगा क्योंकि वो टूट जाता है, ब्रिस्टल हेयर है। तो राइट नाउ भी हम इनके बालों में एक्सटेंशन करेंगे, कवर करेंगे, ताकि इनका बाल कवर्ड हो जाए और ये ब्यूटीफुल लगे। ब्यूटीफुल तो है, है ना, इतनी मोटी मोटी आंखें, खूबसूरत आंखें हैं, स्माइल इतनी अच्छी है। देखो क्या होता है, अपनी कमी होती है ना, तो ढक लेना चाहिए, ढक लेना, है ना, क्योंकि दुनिया तो बदलने वाली है। नहीं, दुनिया तो ये बोलेगी, तो कोर्ट निकालेगी उसका, उसका घर में बैठे उनका कुछ और काम है नहीं, तो अपना ढक लो ताकि हमारा दिमाग खराब ना, और हम अपनी आगे अपनी लाइफ में फोकस कर सके, केवल इसलिए, बाकी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। क्लाइंट का मैं फेस नहीं दिखाऊंगी, जिसको समझ में आए ठीक है, नहीं समझ में आए कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये वीडियो शेयर करोगे, क्या पता आपके एक शेयर से, इस वीडियो से ये वीडियो उस बंदे को पहुंच जाए जिसको ये प्रॉब्लम है। कम से कम एक इंसान का कॉन्फिडेंस उठाओ। बुलिंग करने के लिए लोग आ जाते हैं, बुलिंग इज़ ए क्राइम बेबीज। अगर ये प्रॉब्लम किसी को भी है तो यहाँ डिस्क्रिप्शन में नंबर दिख रहा होगा, टाइटल में नंबर दिख रहा होगा, इस नंबर पर कॉल करके आप हमसे अटैच कर सकते हैं और आप इस चीज़ को कवर्ड कर सकते हैं। कवर्ड, मैं कह रही हूँ, भगवान दुनिया में इतनी सारी टाइप की दवाइयाँ हैं, इसकी भी एक दवाई आए जिससे लोगों का बाल उग जाए। बट जब तक नहीं उग रहा तब तक अपनी ज़िंदगी सड़ा के मार दोगे, ज़िंदगी एक ही बार बार नहीं मिलेगी। तो कवर करो लो, दवाइयाँ जो भी खानी खाते रहो।